हाई एवरीबॉडी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको भी हेयर ग्रोइंग की प्रॉब्लम है और आप भी नेचुरल सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो अपने बालों को कवर करने का विद लेस वर्क एंड लेस हैसल। मेरी भी सेम स्टोरी है। मैं काफ़ी टाइम से अपने बालों को नेचुरली कलर कर रही हूँ यूजिंग हिना पाउडर एंड इंडिगो पाउडर। लेकिन ऑल्दो ये जो टेक्निक है हिना पाउडर और इंडिगो पाउडर यूज़ करने की, ये एकदम सुपर हिट टेक्निक है। मैंने जब से ये प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करा है, आई हैव ऑलवेज यूज्ड द कामा हेयर कलरिंग किट। इसके अंदर दोनों प्रोडक्ट्स होते हैं, देयर इज हिना ऑल्सो, देयर इज इंडिगो ऑल्सो। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इन दोनों को अलग अलग यूज़ करते हो तो ये एक पूरा दिन ले जाता है आपका। आप हेयर वॉश करते हो, फिर आप बाल सुखाते हो, फिर आप मेहंदी लगाते हो, फिर आप उसे 2-3 घंटे रखते हो, फिर आप हेयर वॉश करते हो एज इन रिंस करते हो, फिर आप बाल ड्राई करते हो, फिर आप इंडिगो पाउडर लगाते हो, फिर आप उसे 2-3 घंटे रखते हो, फिर आप हेयर वॉश करते हो, फिर बाल सुखाते हो, फिर आप अगले दिन शैम्पू करते हो। इट्स अ लॉट, लाइक लिटरली इट्स अ लॉट। तो इस वीडियो में मैं एक टेक्निक ट्राई करने वाली हूँ जिसमें मैं हिना पाउडर और इंडिगो पाउडर को मिलाकर एक साथ यूज करूंगी और उसके बाद हम इसके रिजल्ट्स चेक करेंगे। ऑफ कोर्स मैंने इस मेथड के ऊपर रिसर्च करी हुई है, बहुत सारी वीडियोस देखी है एंड एवरीथिंग, लेकिन मैं खुद पहली बार इस टेक्निक को ट्राई करूंगी तो मुझे सच में नहीं पता कि रिजल्ट क्या होने वाला है। बट या आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस मेथड, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जो मेरी ग्रेइंग है वो कैसी है और कितनी सिवियर है। सो जो मेरे न्यू ग्रोथ आती है वो पूरे तरीके से ग्रे आती है, मतलब मैं कोई भी पार्टीशन जो है अपने बालों में खोल लूँ, पूरी जो न्यू ग्रोथ है इट्स नॉट इवन ग्रे, इट्स लाइक प्रॉपर जैसे वाइट हेयर ग्रोथ होती है। और मेरे जो ग्रे हेयर है वो बहुत स्टबर्न है। तो इस वीडियो में मैं क्या करूंगी, इंस्टेड ऑफ मेहंदी अलग से लगाना, इंडिगो पाउडर अलग से लगाना, मैंने इन दोनों स्टेप्स को कंबाइन करा है एंड वी विल सी हाउ इट गोज। मेहंदी और इंडिगो पाउडर को मिक्स करना थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि मेहंदी इंडिविजुअली तब ज़्यादा अच्छा काम करती है जब वो ऑक्सीडाइज्ड होती है, इसीलिए हम उसे आयरन की कढ़ाई में भिगोते हैं या हम उसमें आंवला पाउडर डाल देंगे या कॉफ़ी पाउडर डाल देंगे। इन सारी चीज़ों से मेहंदी जो होती है वो ना और अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाती है और उसमें कलर आ जाता है। लेकिन जो इंडिगो पाउडर है, इंडिगो पाउडर तब अच्छे से काम करता है जब वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, राइट? तो इसीलिए जब हम मेहंदी को इंडिगो पाउडर के साथ मिक्स करेंगे तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऐसी कोई भी चीज उसमें नहीं डाल सकते जिससे इंडिगो पाउडर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसीलिए इस टेक्निक को ट्राई करने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, मेहंदी, इंडिगो पाउडर एंड वाटर। स्टेप नंबर 1 है जो मेहंदी है उसको अच्छे से घोलना। तो मैं अपनी ये जो मेरी कामा आयुर्वेदा की ऑर्गेनिक मेहंदी है मैं इसको यूज करूंगी। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कामा की ही यूज करनी है, जो भी मेहंदी आप यूज करते हो आप वो यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आप कि जो मेहंदी है और जो आपका इंडिगो पाउडर है वो अलग अलग ब्रांड्स का भी हो सकता है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। मेहंदी मिक्स जो है हम एक प्लास्टिक के बोल में करेंगे, कोई आयरन की कढ़ाई नहीं है, कोई वैसा कुछ नहीं है, प्लास्टिक या आप कांच का कोई बोल ले सकते हो। मैंने सिर्फ 2 चम्मच मेहंदी ली है क्योंकि मेरे बालों को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सिर्फ रूट टचअप के लिए इसे यूज़ करती हूँ। पानी जो है हम एकदम रूम टेम्परेचर का पानी यूज़ कर रहे हैं, ना ठंडा ना गर्म, और पानी हम धीरे धीरे करके डालेंगे ताकि लम्ब्स ना बने। अगर मेहंदी के लम्ब्स बन जाएंगे तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो पानी है वो धीरे धीरे करके हम डालेंगे और मेहंदी को बहुत अच्छे से घोलेंगे ताकि वो बिल्कुल भी 100% लम्ब फ्री होनी चाहिए। जब पूरी मेहंदी घुल जाएगी तो आप देखो इसका जो कलर है वो एकदम जैसे ब्राइट ग्रीन टाइप का कलर होता है, ऑलिव ग्रीन टाइप का, वैसा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इसे ओवरनाइट रख देंगे ताकि इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा सा ब्राउन सा हो जाए, ऐसा कलर हमें चाहिए। इस स्टेज पे आके हम इसमें इंडिगो पाउडर ऐड करेंगे। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि इंडिगो पाउडर को हम ज़्यादा देर रख नहीं सकते। व्हेन यू आर एब्सोल्युटली रेडी कि अब आप प्रोडक्ट अपने बालों में लगा सकते हो, उसी वक्त आप इंडिगो पाउडर को घोलो और इमिडिएटली आप अपने बालों में लगा लो। इंडिगो पाउडर जब आप यूज़ कर रहे हो, स्पेशली अगर आप मतलब आपका जो पैक है वो पहले खुल चुका है, आप 1-2 बार यूज़ कर चुके हो, एक चीज़ जो आपको बहुत ध्यान रखनी है वो ये है कि जो आपके इंडिगो पाउडर का कलर है वो ऐसा ही होना चाहिए, लाइट ग्रीन। कई बार क्या होता है अगर आपने पैकेट को खुला छोड़ दिया या वो अच्छे से मतलब स्टोर्ड नहीं था,
वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका कलर जैसे बड़ा मेटालिक ग्रीन सा होता है वैसा हो जाता है। अगर आपका इंडिगो पाउडर वैसा हो गया है तो भी बालों में कलर नहीं चढ़ेगा, तो आप चेक करना कि जो उसका कलर है वो एकदम जैसे लाइट ग्रीन सा, ये कलर आप देख रहे हो ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपका इंडिगो पाउडर ऑक्सीडाइज हो चुका है देन प्लीज़ आप एक नया पैकेट खरीद लो। मेहंदी पाउडर और इंडिगो पाउडर का जो रेशियो है वो 1:2 का होता है, तो अगर हमने 2 चम्मच मेहंदी ली है तो हम 4 चम्मच इंडिगो पाउडर लेंगे। पहले जो हमारा रेडी मेहंदी पैक है उसमें मैं ऐसे मिक्स कर दूंगी ये जितने अच्छे से मिक्स हो सकता है, इसके बाद हम इसमें पानी डालना शुरू करेंगे। पानी जो है वो ल्यूक वार्म है यहाँ पर, ना ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म, इट्स ल्यूक वार्म वाटर, और इसकी हम धीरे धीरे मिक्सिंग शुरू करेंगे। तरीका वही है, हमें लम्स अवॉइड करने हैं, तो जितना थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डालेंगे और जितने अच्छे से मिक्सिंग करेंगे उतना अच्छा हमारा ये पेस्ट बनकर रेडी होगा और उतने ही अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आप देखोगे आपका जो ये इंडिगो पाउडर और मेहंदी का कॉम्बिनेशन है एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी पे आ गया है, आप समझ लो आपका पैक इज़ रेडी। अब हम इस हेयर कलर पैक को अपने बालों में लगाने के लिए रेडी है। इंडिगो पाउडर मिक्स करने के बाद आप पैक को ज़्यादा देर नहीं रख सकते, तो यू हैव टू वर्क रियली फास्ट। मैं 2 सेक्शंस में अपने बालों को डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है हेयर कलर लगाने का, और आप देख सकते हो कि कितनी सिवियर ग्रेइंग है मुझे। तो ये जो सेंटर पार्टीशन है जो सबसे ज़्यादा दिखता है उस पर मैं सबसे पहले कलर लगाऊंगी। सेफ्टी के लिए ग्लव्स अगर आप पहन लो तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं ना कहीं हाथों में वो थोड़ा बहुत मेहंदी के स्टेन्स आ सकते हैं। जो हमारा पैक है वो आप देख सकते हो जैसे जैसे रखा हुआ है थोड़ा थोड़ा डार्क होता जा रहा है ना, बिकॉज इंडिगो जो है वो अपना कलर चेंज करना शुरू कर रही है, सो यू हैव टू वर्क रियली फास्ट विद इट। सबसे पहले मैं जो मेरा सेंटर पार्टीशन है इस पर मैं प्रोडक्ट लगाती हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मैं पार्टिंग ये वाली यूज़ करती हूँ, तो मुझे ना यहाँ पर ग्रेइंग बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद ये जो पूरा प्रोडक्ट लगाने का तरीका है वो ये है कि आपको जितने पतले सेक्शंस आप ले सकते हो आपको उतने पतले सेक्शंस लेने हैं ताकि कहीं का कोई भी सफ़ेद बाल छूटे नहीं। अगर आपने मोटे मोटे सेक्शंस लिए तो जो इन बिटवीन की ग्रेइंग है शायद वो कवर ना हो पाए, तो इस बात का आपको खासी ध्यान रखना है। पतले पतले सेक्शंस निकालने के लिए जो पिन कॉम्ब्स होती हैं, जो टेल कॉम्ब्स होती हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। मैं भी उसी टाइप की एक चीज़ यूज़ कर रही हूँ, और ये जो तरीका है ये बस ऐसा ही है कि आप सेक्शंस निकालोगे, आप बालों में जो ग्रेइंग है उसमें कलर करोगे एंड दैट्स इट। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है लेकिन इसको अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी पे जो हमें एंड रिजल्ट मिलेगा वो डिपेंड करता है। मैंने ये पूरा प्रोसीजर फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है बिकॉज एक्चुअली ये बहुत ही रेपिटेटिव प्रोसीजर है, तो इसको बार बार देखने का कोई मतलब नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि आप सेक्शंस पतले निकालते हो और जो ये पैक है इसको अच्छे से जो भी आपका ग्रे हेयर एरिया है उसमें बहुत अच्छे से लगाते हो। तो मैंने काफ़ी फाइन सेक्शंस निकाल के अपने जो भी ग्रे एरिया था उसको बहुत अच्छे से कवर करा है। आफ्टर द एप्लीकेशन मैं अपने बालों को एक यू नो लाइक अ जूड़ा बांध दूंगी क्योंकि इन बालों को खोल के रखना बहुत रिस्की है। अब जो है हमें इसको कम से कम 2 से 2.5 घंटे तो रखना ही रखना है, मतलब 2 घंटे से कम तो आप सोच ही नहीं सकते। और एडवाइजेबल ये होता है कि आप कोई शावर कैप वगैरह लगा लो बिकॉज यू नो देन वेर एवर आप कहीं पे भी बैठोगे तो हमेशा एक वो कलर ट्रांसफर होने का चांस होता है। इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 1:30 PM और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसको एटलीस्ट 2.5 आवर्स अपने बालों में रखूं क्योंकि जो मेरे ग्रे हेयर है वो बहुत स्टबर्न है। अगर आपके बाल पतले हैं या उनको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है कलर से तो प्रॉब्ली 2 घंटे में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। सो आई एम गोइंग टू कीप दिस प्रोडक्ट ऑन माई हेयर फॉर 2.5 आवर्स नाउ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, तो अब 4 बज चुका है और मैंने इस पूरे इसको 4 मतलब 2.5 घंटे अपने बालों में रखा है और अब ना ये काफ़ी ड्राई हो गया, मतलब जैसे ना झड़ने लगता है वैसा हो चुका है ये। तो अब मैं अपने बालों को रिंस करूंगी, नो शैम्पू नो कंडीशनर नथिंग, सिर्फ रिंसिंग करेंगे, बहुत अच्छे से रिंस करेंगे। शैम्पू जो है वो मैं कल करूंगी। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वीडियो है ये मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ। मैंने कल सिर्फ अपने बालों को रिंस करा था, शैम्पू नहीं करा था। आज सुबह मैंने अपने बालों को शैम्पू करा है और स्टाइल करा है बिकॉज आई हैव टू शूट 2 मोर वीडियोज, तो इसीलिए मैंने अपने बालों को स्ट्रेटन अप करा हुआ है, थोड़ा सा मेकअप वेकअप लगाया हुआ है। एनीवे, टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट, तो हमने इतनी मेहनत करी और अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मुझे उसका क्या रिजल्ट मिला। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो सेक्शन मैंने निकाला हुआ है मैं आपको यही दिखा देती हूँ। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो
तो आपको समझ में आएगा कि पहले जितने ग्रे हेयर नहीं है लेकिन 100% कवरेज भी नहीं मिला है. एग्जाम्पल के लिए एक और सेक्शन ट्राई करते हैं. राइट, अगर आप इन जनरल मेरे बालों को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो रिजल्ट है वो मिला है लेकिन 70% मिला है. मतलब जब मैं प्रॉपर मेहंदी अलग से लगाती हूँ और फिर इंडिगो पाउडर अलग से लगाती हूँ तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो 100% होते हैं. एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने बहुत रिलीजियसली पूरा कलर लगाया है, पतले पतले सेक्शंस लेकर लगाया है, मुझे अभी भी कई ऐसे पोर्शंस हैं जहाँ पे ग्रेइंग दिख रही है. तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि इंडिगो और मेहंदी साथ में काम करना चाह रहे हैं लेकिन दोनों ही प्रोडक्ट्स अपनी फुल कैपेसिटी पे, अपनी फुल प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं कर पा रहे हैं. तो माय कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज कि अगर आप 100% कवरेज चाहते हो तो आपको मेहंदी अलग और इंडिगो पाउडर अलग ही लगाना पड़ेगा. सो दिस इज़ द ट्रूथ, है ना. मैं चाहती थी, मैं डेस्परेटली चाहती थी कि ये जो पूरा मिक्सचर है ये वर्क कर जाए. मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे एंड लोगों के लिए ऐसा हुआ भी है. ऐसा हो सकता है कि अगर आपके बाल बहुत पतले हैं और रेजिस्टेंट नहीं है तो ये टेक्निक आपके लिए काम कर जाए. बट फॉर मी, जिसके बाल थोड़े से थिक हैं, ग्रे हेयर बहुत स्टबर्न है, बहुत रेजिस्टेंस वाले हैं, दिस डिड नॉट वर्क कम्प्लीटली फॉर मी. सो या नेक्स्ट टाइम आई विल बी अप्लाइंग मेहंदी प्रॉपरली, wash it off and then indigo powder. So yeah. So this was all from my side today for today's particular video. इस video को बनाने का मेरा एक ही objective था कि ये जो technique जो YouTube पे बहुत viral हो गई है, बहुत popular हो गई है, इसकी सच्चाई मैं आप लोगों को दिखा सकूँ. मैंने पहली बार ये try करा, जो भी result आया है वो आपके सामने आया है. So I just wanted to test it and I wanted to share कि इसके actual results क्या आते हैं. एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो. अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, डू कमेंट इन द यू नो कमेंट सेक्शन बिलो. एंड आई विल सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव.